हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे कियारा आडवाणी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेरशाह मूवी से। तो सबसे पहले हमने ये फेस पे लगा लेना है मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है। ये पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है और उसे ब्लेंड कर लेना है। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा, जैसा भी लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर, और प्राइमर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये है कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ की हूँ मैंने क्रेलॉन के पैलेट से। उसके बाद हमारे फेस टोन से जो शेड मैच होता है उसे यूज़ करना है। ये भी मैं क्रेलॉन के पैलेट से यूज़ कर रही हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा फेस पे लगा लेना है, डॉट डॉट। ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं है उनका, सिंपल ही मेकअप है, नेचुरल। तो वैसे ही कर रहे हैं हम, जमा या नहीं जमा, अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी जैसा भी लगा ज़रूर कमेंट करके बता देना है आपने। इसे लगाने के बाद इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसके बाद फिर हम फाउंडेशन के बाद हम पाउडर से फिक्स कर देंगे मेकअप को, यानी कि सेट कर देंगे। बनाना पाउडर यूज़ की थी मैंने, अभी आपको आगे दिखेगा ही। ये मैं अभी पाउडर से सेट कर रही हूँ, फाउंडेशन के बाद मैंने ये पाउडर यूज़ की हूँ। पूरे फेस पे अच्छे से पाउडर को लगा लेना है। और ये हो गया है हमारा पाउडर लगा के। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे आई मेकअप। तो मैंने आई मेकअप के लिए मतलब ब्राउन कलर ही यूज़ की हूँ, वो भी डार्क नहीं लगाई थी, फेंट में ही लगाई थी। आप जैसे कि देख सकते हो ये ब्राउन कलर का है। दोनों आँखों पे लगा लेना है। और फिर उसके बाद काजल, काजल उन्होंने थोड़ा सा डार्क लगाए है। काजल के बाद वाटर लाइन के नीचे जो लाइन रहती है थोड़े से बाहर, वहाँ पे हमको ब्लैक कलर का आई शेडो लेना है, उससे सेट कर देना है काजल को। और फिर अभी ये मस्कारा, वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, अच्छा लगा नहीं लगा जैसा भी लगा ज़रूर 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 बताना, ठीक है, कमेंट करके। तो ये हो गया है हमारा मस्कारा लगा के। लैशेस पे उसके बाद हम करेंगे ये ब्लश, ब्लश ब्लश ब्लश। और फिर मेरी आईब्रोज तो थोड़ी ज़्यादा ही डार्क है, ब्लैक कलर की है, तो इसीलिए मैंने लगाई नहीं थी, बस ब्रश कर ली थी, उसे शेप में लाई थी। वहाँ पे पाउडर वगैरह लगा रहता है ना, वो निकाल ली थी मैंने। और ये हो गई हमारी लिपस्टिक। और मैं ये आईलाइनर से उनके उन्होंने उनको शायद से तिल है, पता नहीं तिल है या नहीं है, या फिर उन्होंने बनाए तो फिर मुझे दिखा, तो फिर मैंने भी कर ली। और ये रही हेयर स्टाइल,
रोल वाली हेयर स्टाइल, और फिर एक ब्रेड बना लेनी है, सिंपल वाली, नॉर्मल वाली ब्रेड बना लेनी है जैसे हम बनाते हैं, बचपन से ही बनाते आ रहे हैं वो वाली। ये हो गई हमारी ब्रेड तैयार। तो ये हो गया है हमारा मेकअप, और ये रही चुन्नी। तो आपको ये मेकअप कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा लगा वो भी बताना, जमा मेकअप या नहीं जमा वो भी बता देना, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।